अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल से माला माल कर दिया और ये दूध पीते थे कि घर के हालात इस तरह के हुए और अल्लाह का हुक्म आ गया कि अपनी अहलिया को और अपने नौ मौलूद बच्चे को ऐसी वादी में छोड़ आओ जहाँ कोई आबो गया ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को लिया और हज़रत इस्माईल को लिया, ये माँ की आगोश में दूध पीते थे और थैले में कुछ खजूरें, कुछ सत्तू और कुछ पानी लिया और वहाँ से चले और चलते चलते बैतुल्ला के करीब पहुँचे और बैतुल्ला के पास अपने बेटे हज़रत इस्माईल को और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को छोड़ा। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वो कहते हैं हाँ मस्जिद से दूर ही अच्छा है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को इसलिए इस वादिये बे आबो गया में जहाँ कोई कॉलोनी नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है, घर बनाने से कबल सहूलियात देखी जाती हैं कि बुनियादी सहूलियात क्या यहाँ मुयस्सर है, फिर घर बनाया जाता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम घर बनाने जा रहे हैं अपनी औलाद का उस जगह पे जहाँ दुनिया की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सहूलत मौजूद यह है कि अल्लाह का घर पास है। और रात बसर की, जब सुबह का वक्त हुआ तो उनको अलविदा कहते हुए रुखसत हुए। अब थोड़े सत्तू थे और थोड़ी खजूरें थी और कुछ पानी था, यही थैले के अंदर कुछ खुराक थी और ये यहाँ कुछ भी नहीं था, चटियल मैदान, पहाड़ जैसे फौलाद पिघला के डाल दिया गया हो। इंसान तो इंसान रहे, परिंदे हशरा तो लर्ज भी नहीं थे, चूँकि पानी का नामो निशान नहीं था, कोई कुआं नहीं था, कोई तालाब नहीं था, कोई इंसानी आबादी नहीं थी। नौ मौलूद बेटे को और अपनी बीवी को वहाँ छोड़ देना, अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह का पैगंबर उसके लिए तैयार हो गया। ये तमाशा लबे बाम थोड़ा है, किसी आबादी में नहीं जहाँ इंसानी वजूद नहीं, दरख्त भी नहीं है कि फल तोड़ के खाया जा सके और साए में बैठा जा सके। मुअर्रख इस्लाम हफीज जालंधरी ने नक्शा खींचा है वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहाँ ना घास उगती थी, जहाँ ना फूल खिलते थे, मगर वो सरजमी थी, आसमां भी झुक के मिलते थे। तो उस वादी बे आबो गया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नौ मौलूद बेटे को और अपनी ज़ौजा मोहतरमा को छोड़कर सहरी के वक्त वापस होने लगे, तो सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप उनके पीछे चलीं और उनको आवाज़ दी और कहा कहाँ जा रहे हो, तो वो खामोश रहे, फिर आवाज़ दी और बुखारी में नहीं बाज़ जगहों पे तमस्सकत बेज़िया लही, बार के दामन पकड़ लिया उनका और कमीज़ का दामन पकड़ के कहा कि इस वादिये बे आबो गया में अपनी खातून को और अपने नौ मौलूद बच्चे को जहाँ इंसानी आबादी क्या हशरातुल अर्ज़ भी नहीं पाए जा रहे, छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़े तो फिर खातून ने दामन थामा और फिर कहा कि आप यहाँ हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हज़रत हाजरा ने फिर कहा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत इब्राहीम ने काला नाम कहा हाँ उसी का हुक्म है, तो दामन छोड़ दिया, कहा फिर खैर से जाइए, वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा, अगर उसका हुक्म है तो वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा। फिर जहाँ दिन भी नहीं गुजारा जा सकता था उस खातून ने वहाँ रातें भी काटी, चटियल मैदान, फौलाद पिघला के डाला गया हो इस तरह के पहाड़, बे आबो गया वादी, ना कोई चश्मा, ना कोई तालाब, हशरातुल अर्ज चौपाए कुछ भी नहीं, हत्ता के दरख्त भी नहीं हैं, थोड़े से सत्तू थे और कुछ खजूरें थी और थोड़ा सा चमड़े के मशकीज़े में पानी था, वो खैर ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो माँ की छाती से दूध भी सूख गया, बेटा भूख से तड़पने लगा, प्यास से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए, तो माँ की ममता बेचैन हो जाती है, तो वो दौड़ करके कोहे सफ़ा पे गई, एक छोटे से पत्थर की ओट में उसके साए में हज़रत इस्माईल को लटा करके, अकेली माँ है और वहाँ कोहे सफ़ा पे, ये जबले अबू कुबैस के बिल्कुल साथ एक पस्त कामत पहाड़ी थी,
और इसकी चोटी के ऊपर खड़े होकर के दाएं बाएं देख रही है। और फिर उसके दूसरी जानब जो है वो मरवा नामी छोटी सी पहाड़ी थी, तो ये फिर इस समत आई, दरमियान में नशेबी जगह थी। वो चलती हुई देखती अपने बेटे पे नज़र रखे हुए दौड़े जा रही थी, और जहाँ से बेटा नज़र नहीं आ रहा वहाँ बहुत तेज़ी से गुजरी, और फिर जाके मरवा पे चारों तरफ देखा, कोई परिंदे उड़ते कहीं जानब दिखाई ना दिए। इधर भी देख लिया था, उधर भी देख लिया था, लेकिन माँ की ममता थी और उधर तड़पता हुआ इस्माइल था, कोई और रास्ता नहीं था। माँ वहाँ से आके फिर दोबारा जबले सफ़ा पे आती हैं और उस पहाड़ी के ऊपर फिर दोबारा ताएं बाएं देखती हैं कि कोई उड़ता हुआ परिंदा मुझे दिखाई दे और मैं उस निशान पे जाऊं और दो बूंद पानी की मिल जाए और अपने बेटे के हलक में टपका दूं, उसकी ज़िंदगी और उसकी हयात मुस्तार के लम्हे जो हैं वो नसीब हों। लेकिन वहाँ फिर कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ से फिर मरवा को जाती है। एक खातून है, तन्हा है, और बेटा सामने पत्थर की ओट में, थोड़ा सा जो साया पड़ रहा है उसकी ओट में लेटा हुआ है। और फिर वहाँ से मरवा के जाती हैं, और फिर वहाँ से सफ़ा, और फिर वहाँ से मरवा, एक नहीं सात चक्कर काटते हैं। अब ये जिन लोगों ने हज या उम्रे की सआदत हासिल की है वो अच्छी तरह जानते हैं ये अच्छा खासा फासला है। और एक खातून के लिए अब तो वहाँ जो है वो ठंडा माहौल पैदा कर दिया और जगह जगह कूलर नसब कर दिए हैं ताकि थक जाए तो थोड़ा सा पानी पी लें। लेकिन उस ज़माने के अंदर ये चटियल पहाड़ी थी और ऊपर जो है वो आग बरसाता हुआ सूरज और नोकीले पत्थर, और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे को वहाँ लुटा के खुद प्यास से और भूख से निढाल हैं, लेकिन कभी सफ़ा पे कभी मरवा पे जाती हैं। ज़रा तसव्वुर के अंदर माँ के इस प्यार का रूप देखो, अल्लाह अकबर, अपने बेटे के लिए माँ की बेताब तड़प देखो। और फिर जो है वो जब मरवा पे पहुँची और सात चक्कर पूरे हो जाते हैं, सात अशवात हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि बार बार इधर उधर देख करके तो तबीयत में एक मायूसी उतरने लगती है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद का रिश्ता नहीं टूटता। और उधर माँ की बेचैनियाँ हैं और बेटा एक पत्थर की ओट में लेटा हुआ है, और हज़रत हाजरा सात चक्कर काट चुकी हैं, और अब ज़ाहिर है कि जो ज़ाहरी असबाब है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और माँ का दिल धड़क रहा है और बेटे की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही है। तो अचानक दूर से मरवा पे खड़े होकर देखा कि बेटा एड़ियाँ रगड़ रहा है, तो ज़ाहिर है शिद्दत प्यास की और भूख की, और भूख और प्यास में बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जान दे देते हैं। माँ बेचैन हो गई, शायद और भी चक्कर काटती, लेकिन माँ फिर मरवा से सीधा जो है वो वहाँ आई जिस पत्थर की ओट में, जिस हजर के साए में को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया हुआ था। माँ जब करीब आई तो मंजर बदला हुआ है कि जिसको प्यास में बिलकता हुआ छोड़ के गई हैं उस इस्माईल, उस मासूम और नन्हे इस्माईल ने एड़ियाँ रगड़ी हैं, रब ने चश्मा जारी कर दिया है, और पानी बह रहा है तो तेज़ी से धोड़ी और मंडेर जो है वो उसके गिर्द कर दी और कहा जमजम, ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर इसका माने रुक जा रुक जा। फरमाया अल्लाह भला करे हज़रत हाजरा का, अगर वो जमजम कह के इस पानी को ना रोकती तो ये पूरी रूए ज़मीन पे फैल जाता। अब ये पानी का इंतज़ाम अल्लाह जल्ला शानहू ने कर दिया, जो इज़्ज़तों का ज़रफ करार पाया हज़रत इस्माईल के कदमों की वजह से, ये पानी मुबारक करार पाया। जो जमजम है ये तबर्रुक के तौर पे पिया जाता है, और ये दवा भी है, शफा भी है, और ग़ज़ा भी है, मशरूब भी है, और माकूल का काम भी देता है। इससे प्यास भी मिटती है, इससे भूख भी मिटती है। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया पर तबर्रुकन ले जाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जितने चश्मे जिनसे ये दरिया निकलते हैं ये किसने जारी किए हैं, तो आप सबका जवाब होगा अल्लाह ने जारी किए। ये दरिया किसने जारी किए, आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ज़मीन से फूटते हुए पानी के चश्मे और जो है वो फूटते हुए झरने, ये किसके कर्म से हैं? सब चश्मे अल्लाह ने जारी किए हैं। तो जिस तरह अल्लाह ने बाकी चश्मे जारी किए हैं, ये जमजम भी उसी ने जारी किया है।
बाकी यूं मुतबर्रक नहीं है, ये मुतबर्रक क्यों है? इसलिए कि इस चश्मे ने एक पैगंबर के कदमों के बोसे लिए हुए, इस वजह से ये मोतबर हुआ, ये इज्जतों के लायक हुआ और ये विकार की जमानत हुआ। अल्लाह अकबर। अब एक जानब तो अल्लाह ताला ने माँ की बेताबी को सिला दिया कि चश्मा जारी कर दिया जो कयामत तक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खैरात ज़माने को नसीब होती रहेगी, और दूसरी जानब अल्लाह जल्ला शानहू ने माँ के उस प्यार को और माँ की तड़पती हुई ममता के अंदाज को कयामत तक के लिए बाकी रख दिया कि हाजरा तूने अपने बेटे के लिए यूं चक्कर काटे थे, हम तेरी अदा को कयामत तक मरने नहीं देंगे। जब हाजी जाता है, मौत मिर जाता है, तो वो तवाफ़ के बाद साई करता है और वहाँ भाग रहा होता है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत बादशाह शहनशाह कजकुला उलामा सुलाहा बूढ़े बुजुर्ग बीमार तंदरुस्त सारे दौड़ रहे होते, एक दौड़ लगी हुई है, अजीब दौड़ लगी है। हजरत हाजरा तो इसलिए दौड़ रही थी कि बेटे के लिए पानी की तलाश थी, हाजी की बगल में पानी की बोतल होती है फिर भी दौड़ रहा होता है। अल्लाह अकबर। वो तो इसलिए दौड़ रही थी कि बेटे के लिए बेचैनी थी कि बेटा दूर पड़ा प्यास से बिलक रहा है, लेकिन यहाँ माँ और बेटे इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं, एक दौड़ लगी है मेरे मालिक को, दौड़ना भी इबादत है। जवाब आया कि ऐ हाजरा तूने हद कर दी और अपने बेटे के लिए मोहब्बत और ममता का एक ऐसा रूप पेश किया, हम तेरी अदाओं को मरने नहीं देंगे, कल तुम्हारी राहों पर कयामत तक आने वाले लोग जो हैं इन राहों पे दौड़ेंगे।